एक जो बड़ा चुनाव हो रहा है और बहुत ही करीब से देखा जा रहा है चुनाव, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। वहाँ आप मुस्कुरा रहे हैं, संदेशकाली की बात है, शिक्षक भर्ती घोटाले की बात है, ये कितने बड़े मुद्दे हैं आज देखिए पश्चिम बंगाल। दिबांग जी, मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को मैं भी करीब से देखता हूँ और गंभीरता से इसमें अपना योगदान भी करता हूँ। संदेश खाली और शिक्षक भर्ती घोटाले पर मैं बाद में आता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। सरहदी राज्य में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, देश की सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। जनसांख्यिकी का बदलाव बॉर्डर स्टेट में इतनी तेजी से होता है और ममता बनर्जी की सरकार आंख मूंद कर उसको समर्थन कर रही है अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ये पूरे देश के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि बंगाल से आने के बाद सिर्फ बंगाल में नहीं रहता है ना, कोई देश भर में जा सकता है। दूसरा, सीए का वो विरोध कर रही है। एक और तो आप घुसपैठ होने देते हो, उनको गलत तरीके से नागरिकता भी लेने देते हो, और जो शरणार्थी आए हैं, जो लीगली नागरिकता चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि आसपास के पड़ोसी देशों से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, इनको नागरिकता मिले, इसमें ममता बनर्जी को तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि घुसपैठियों की उनकी वोट बैंक नाराज होती है। पूरा बंगाल इसको गंभीरता से देख रहा है। तीसरी बात, वहां बेपनाह, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, इस प्रकार का करप्शन हुआ है। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है और आप इसको पार्टी से निकालते भी नहीं हो। नोट गिनने के मशीन गर्म हो जाते हैं, 6 SBI ब्रांच के मशीन लाने पड़ते हैं। इतनी गरीबी वाले प्रदेश के अंदर आप मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारते हो। कट मनी, करप्शन, गुंडई, बम धमाके, चुनावी हिंसा, ये सारे मुद्दों से बंगाल की जनता त्रस्त है। ममता जी को दिखता नहीं है, उनको लगता है मैं जीत गई। मैं आज पूरे देश को बताने चाहता हूं कि 2015 में हमारी 2 सीटें थी, अब हम 77 पर पहुंचे हैं। हमारा एक MP था दार्जिलिंग से, आज हम 18 पर पहुंचे हैं। और संदेश खाली के अंदर तो जो हुआ है वो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने अपने नाक के नीचे धर्म के आधार पर सैकड़ों महिलाओं का शोषण होने दिया, उनकी पार्टी के लोगों ने किया है। आप अरेस्ट नहीं करते हो, हाईकोर्ट ने अरेस्ट करने का ऑर्डर करना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए उनको। और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी गरीब घर के तेजस्वी लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, निर्लज्जता के साथ पैसा लेकर 25,000 लोगों को नौकरी देना पड़ा, जिसको बंगाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया नौकरियों। आज वो 25,000 युवा भी दुखी है, और जो लाखों लोगों ने परिश्रम कर कर अप्लाई किया था, वो तेजस्वी युवा भी दुखी है। मैं आपको बताता हूं, इस चुनाव के परिणाम आने दीजिए, 4 तारीख को हम कम से कम, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत कर बाहर आएगी बंगाल से। मतलब 12 सीट आप और बढ़ाएंगे, फिर बिल्कुल तो ममता बनर्जी बिल्कुल ही सिकुड़ के रह जाएंगी वहां। नहीं, हम ममता बनर्जी को सिकुड़ कर रखना नहीं चाहते। हम बंगाल की परिस्थिति को सुधारना चाहते। उनके पास मौका था, जनता का रूह मालूम पड़ा था, मगर अपने भतीजे के मोह में इतना खुली छूट दे दिया। चारों ओर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खत्म, ऑपोजिशन को लटका लटका कर फांसी दे देना, कब तक चलेगा डेमोक्रेसी में?
इस बार देवांग जी मेरी बात याद रखना, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार जीतने जा रही है। बंगाल पर आप हमेशा सीटों का दावा करते हैं, बड़ा दावा करते हैं, इस बार भी आप बड़ा दावा करते हैं। अमूमन मैं सच भी पड़ा हूँ। हाँ, इस बार देखते हैं हम लोग, इस बार कैसा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।